हेलो स्टूडेंट, दिस इज मी प्रियांश सिंह। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, इस वीडियो में आपको डिफाइन करने वाला हूँ सेट। सेट की डेफिनेशन देने वाला हूँ पूरी तरीके, जो अगर पेपर में कहीं भी अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको इस तरीके से लिख कर आनी। अगर वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर, जिससे हमारी वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए, देख सकते हैं काफी हजारियों की मात्रा में स्टूडेंट की हमने हेल्प करी है। और हर तरीके से आपको हर कोर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगी देखने के लिए। बोला गया है डिफाइन सेट्स, या ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज सेट। तो डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है सेट्स की, डेफिनेशन ऑफ सेट। इस तरीके से आपको मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में लिख कर आना अगर आपसे कोई पूछता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, कि बहुत सारे नंबरों का, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है? एक सेट कहलाता है। वो कि क्या होना चाहिए? एक डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, वो लाई कर रहा होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन करूंगा। नोट, इन बातों का आपको ध्यान रखना, अगर वो एक सेट है तो ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। जो मैंने यहां पर नोट पॉइंट्स लिखे हैं आपको पता होने चाहिए। द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। जो उसके एलिमेंट्स होंगे और जिससे वो बिलोंग होगा, वो दोनों ही मिलकर क्या बनाएंगे? एक सेट बनाएंगे। अभी आपको बताऊंगा, मैं लिखकर भी बताऊंगा। दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया है, वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड ई टी सी। मतलब जो आपका सेट होगा उसे डिनोट करेंगे बेटा हम कैपिटल लेटर से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड ई टी सी। मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा, जो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे, वो प्यारे बच्चों स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने हैं, और जो बाहर जो सेट आपको रिप्रेजेंट करना है वो किससे करना है? कैपिटल लेटर से करना है। ये वाला पॉइंट एक तो, ये और ये वाला पॉइंट, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। ये आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूं। मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा बेटा, कैपिटल लेटर से है बनाना है, और ये इसका मार्क होता है, या कह दो ब्रैकेट होता है, जो मिड ब्रैकेट होता है एक तरीके से, इसका हमें यूज करना होता है। इसके अंदर जो भी मैं एलिमेंट लिखूंगा, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो होंगे स्मॉल लेटर से, और जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको तो ये हमें करना है कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए बी सी डी एक्स वाई जेड ई टी सी। आ रही है ना बात समझ में? और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे या तो कोई नंबर होंगे भाई, प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, आ रही है बात समझ में? या कोई भी अल्फाबेटिक टर्म्स हो सकती हैं, वो भी प्लस की भी, या वो सॉरी वो स्मॉल लेटर्स में, ऑलवेज किस में होंगी? वो स्मॉल लेटर्स में होंगी। आ रही है बात समझ में? तो इससे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो तीन पॉइंट मस्ट है। फिर यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखो दो एग्जाम्पल ही लिखे हैं। द रिवर्स ऑफ ए इंडिया, इंडिया में, भारत में जितनी भी रिवर हैं, जितनी भी रिवरों का समूह है, उसका भी हम एक सेट बना सकते हैं भाई। यमुना है, गंगा है, सरस्वती है, सभी का हम यहां पर एक सेट बना सकते हैं। अगला पॉइंट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 8। जो हमारे इवन नंबर है, सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, जो कि होनी चाहिए 8 से छोटी, उसका भी हम एक सेट बना सकते हैं। चलो मैं इसका सेट बनाकर दिखाता हूं आपको, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पर मैं बनाकर दिखा रहा हूं, जैसे ए सेट बना लिया मैंने 2, 4, 6, जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेट कर गया ना, तो ये मैंने एक सेट बना लिया जो कि क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 8। 8 से छोटे नंबर होने चाहिए और वो इवन होने चाहिए, तो 2, 4 और 6। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका सेट होता है। मैं आशा कर रहा हूं आपको सेट समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मैं यही ले दू, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इस ब्रैकेट में लिख दीजिए, इस वाले ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो ये आपका सेट होता है। ये डेफिनेशन लिख कर आनी है, इस तरीके से लिख कर आनी है, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ वगैरह भी चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़े, कमेंट करें। बीएससी एमएससी बीसीए वीसीए वाले सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ आपको सेट समझ में आया होगा। थैंक यू।